new job. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। जी मैं आपका मेज़बान अरशाद अहमद वंटा न्यूज़ की तरफ से आपको इलाका कसवाल के करीब एक छोटा सा गांव है जिसका नाम 614L, उधर के चौधरी गुलाम मीरा गुजर काउंसलर साहब माशाल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। ये लोगों के हक, गरीबों के हक में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। ये जो सरकार की तरफ से मुआवजा आता है या राशन वगैरह आता है, ये लोगों को घरों पर जा के तकसीम करके आते हैं माशाल्लाह। और जो गरीब बच्चियां हैं उनका शादी वगैरह भी करवाते हैं, उनको दहेज वगैरह भी देते हैं। आइए माशाल्लाह इनसे आप बात करते हैं आज के लोगों को ये क्या पैगाम आते हैं चाहेंगे हम अवाम के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र सर। ये हमारे ना नाज़रीन को आप गरीबों के हक़ में जो अमदाद है उसमें आप क्या बात करना चाहेंगे, लोगों को क्या जो है बात समझाना चाहेंगे आप? मैं आपको 110 चैनल वालों को ये बात क्लियर कर दूँ कि ये जो वो सामान वगैरह जो दुकान हम दोस्तों से इकट्ठी करके वो अपने दोस्तों से इकट्ठी करते हैं जो इस गांव में रहते हैं या दूसरे गांव में, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई चीज़ नहीं आती, ना कोई राशन आया है, ना कोई फंड आया है, ना कोई दहाज दहेज के लिए भी सामान आया है। वो हम दोस्तों से इकट्ठा करते हैं रहते गरीब की सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, खुद कुछ खुद देते हैं, हम खुद गरीब लोग हैं तो वो ऐसे करके हम उनकी इमदाद करते हैं दोस्तों के लिए। इसमें कोई पैकेज नहीं है। ठीक है, वही हुकूमत कोई नहीं देती आपको? नहीं, हुकूमत ने कोई पैकेज नहीं। अच्छा जी, तो बाकी ये जो हमारे आपके कोई गांव में मसलात हैं, ये सीवरेज सिस्टम है, आते हुए देख रहा था कि ये पानी शानी बहुत निकल रहा है गलियों में, इसके मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? जब से PTI की हुकूमत हुई है तब से कोई काम हुआ ही नहीं। हम काउंसलर हैं, लोग आके हमसे पूछते हैं, हमें जब से PTI की हुकूमत बनी है 2 साल से 3 साल से हमारे फंड बंद हो गए हैं, बल्कि हमें घर में उन्होंने बैठा दिया था, फारिग कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है लेकिन हमें फंड नहीं दिए जा रहे। सही, यानी कि हुकूमत कोई आपको मुआवजा नहीं दे रही? नहीं, हुकूमत जो भी आप कर रहे हैं ये अपनी जेब से कर रहे हैं, अभी गरीबों की मदद वगैरह सब कुछ ये सब हम अपने पास से कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई अप्लाई काम के लिए कोलम वगैरह गटरों के लिए नाली वगैरह के लिए जो फंड हमें पहले नवाज शरीफ हुकूमत में आते रहे हैं, हाँ जी, वो अब मियां इमरान खान की हुकूमत में वो सब बंद हैं, वो सब बंद हो गए। नवाज शरीफ हुकूमत में आते रहे? हाँ, नवाज शरीफ की नून की हुकूमत में वो आते रहे। ये हमें थोड़ा सा बताओ कि ये जो अमीर लोग हैं अपने अपने घरों का सोचते हैं, गरीबों का नहीं सोचते, उनको कोई पैगाम देना चाहें आप? देखो जी, जो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसको किसी काम के लिए चुन ले, किसी की हेल्प के लिए, वो तो खुदा ने करवाना है। तो बाकी जो लोग क्यों किसी, जब हुकूमत किसी के लिए कुछ नहीं सोचती तो ये लोग क्या सोचते हैं? नहीं, कोई माशाल्लाह होते हैं ना कि अच्छे दिल वाले होते हैं कि गरीबों की मदद करें, उनको करनी चाहिए माशाल्लाह अच्छे। वो लोग कर रहे हैं, वो हमारा साथ भी लेके कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। जो लोगों को करना चाहिए, जिन्हें अल्लाह तकलीफ देता है वो करते हैं, जिन्हें नहीं देता वो नहीं करते। जी नाज़रीन, जी थे हमारे तकरीबन चक नंबर 614, उसके काउंसलर माशाल्लाह चौधरी गुलाम मीरा गुजर बहुत ही अच्छी सोच के मालिक हैं। आज इनसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। आपका मेज़बान अरशाद अहमद, हमें इजाज़त, अहमदार कोई नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।